हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं आ चुका माइनक्राफ्ट के एक एपिसोड में। तो गाइज, हमने पिछले वीडियो में हमारे लिए बैन बनाए थे। तो गाइज, मैंने इसमें सभी एनिमलों को जो है ला के रख दिया हूँ। गाइज, आप देख सकते हैं, इधर हॉर्स रखा हूँ मैंने और इधर गाइज लांबा है। तो लांबा की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, पर गाइज एक जो है मेरा बान जो होता है, बान क्या बोलते हैं इसको, वो खाली रहता है गाइज, इसलिए मैंने इधर ला के रख दिया उनको। इधर गाइज मैंने पिग ला दिया हूँ। तो गाइज, अभी मेरे पास पिग को ब्रीड करने के लिए कैरेट नहीं है, और ये कैरेट के अलावा और क्या खाते गाइज मुझे पता भी नहीं है। और साथ में गाइज मैंने चिकन्स भी ले आया हूँ, और साथ में गाइज मैंने काऊ भी लेके आया हूँ। काऊ तो गाइज इस वर्ल्ड में पता नहीं क्यों ज़्यादा स्पॉन नहीं होती हैं, बहुत कमी स्पॉन हो रही हैं, तो मैंने गाइज बड़े मुश्किल से इनको ढूंढ के लेके आया हूँ। और साथ में गाइज इधर सीप भी हो चुकी है मेरे पास अब। तो गाइज, मैं आज की वीडियो में जहाँ मैं गाइज स्टोन माइन कर रहा था, तो मुझे वहाँ पर कुछ मिला था, तो गाइज मैं उसको दिखा देता हूँ पहले। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ से वीडियो की शुरुआत करता हूँ अब। तो फाइनली गाइज, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे गाइज मैं अपना स्टोन माइन कर रहा था। तो गाइज, मैं स्टोन माइन करते करते गाइज बहुत नीचे तक जा चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे लेपिस भी मिला है, और गाइज पता नहीं मैं क्यों सीधे से नीचे डिग कर रहा था। मैं क्वाइट साइड से भी माइन कर सकता था मैं, पर पता नहीं गाइज मेरे मन में क्या ख्याल आया, तो मैं इसको नीचे ही डिग करने लगा सीधे सीधे। और गाइज मुझे उस समय शायद से मैं ये सोच रहा था कि नीचे जब मैंने डिग किया था इतना, तो मुझे ये स्टोन मिले थे, इन्हें क्या बोलते हैं, भूल गया नाम। तो मैंने गाइज यहाँ से लेडर लगा के रख दिया पूरे में। तो मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ गाइज मुझे पता नहीं क्या मिला है यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो है ये, क्योंकि यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स थे और क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स भी थे यहाँ पे। तो इसलिए गाइज मैं इसको खोद के देखता हूँ गाइज इसके नीचे क्या है। तो मैं गाइज क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स को गाइज मैं सिलिकेट से तोड़ने वाला हूँ, नहीं तो इससे सिल्वर फिशेस निकलती हैं गाइज अधिकतर मैंने देखा हूँ। तो मैं इससे इसको तोड़ लेता हूँ, नीचे और भी हैं। तो गाइज मैं इसको जल्दी जल्दी खोदता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या है। तो गाइज मुझे रीन पोर्टल मिला है। तो ये रीन पोर्टल गाइज काफ़ी बड़ा तो लग रहा है मुझे। तो गाइज मैं इसमें नीचे जाके देखता हूँ, शायद से इसकी चेस्ट में मुझे गाइज कुछ अच्छा सामान मिल जाए शायद से, क्योंकि कंफर्म नहीं रहता है। तो गाइज कई बार होता है कि गोल्डन एप्पल तक के मिल जाते हैं इससे, तो मैं देखता हूँ गाइज इसमें कुछ है क्या। अच्छा, ये स्टेयर, इसलिए यहाँ पर वाटर बकेट नहीं। तो गाइज ये पूरा पैक में है, पता नहीं क्यों इतना अंडरग्राउंड क्यों है ये स्पॉन, इसको तो वैसे सरफेस में होना चाहिए था। तो मैं इसमें चेक करता हूँ, तो इसमें कुछ काम का तो नहीं है। तो इसमें एक गोल्डन सॉर्ड है, तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है, तब भी गाइज मैं इसको रख लेता हूँ, इसके ऑब्सीडियन गाइज मेरे काम हो जाएंगे। और साथ में गाइज मैं यहाँ से और इसको ये भी निकाल लेता हूँ जल्दी से पूरे, क्योंकि मेरे को गाइज नेक्स्ट एपिसोड में गाइज इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं एन्चेंटिंग टेबल बनाऊँगा इससे। तो गाइज मैं इसको जल्दी से पूरा माइन कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो फाइनली गाइज मैंने यहाँ से गाइज काफ़ी हद तक के मैंने पूरे स्टोन माइन कर लिया हूँ। अब गाइज मुझे यहाँ से गाइज ये लेपिस दिख रहा है, तो मैं इसको भी माइन कर लेता हूँ, तो ये मुझे फ्यूचर में काम आ जाएगा, अभी तो काम नहीं आएगा, तो फ्यूचर में काम आ सकता है। तो गाइज मैं इसको जल्दी से पूरा माइन कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइज मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो गाइज मैं अपने लिए आज बनाने वाला हूँ फूड फार्म। तो गाइज फूड फार्म जो है मेरे पास गाइज व्हीट का जो है वो गाइज बहुत छोटा है, तो गाइज मैं उसको आज बड़ा बनाने वाला हूँ। तो गाइज मैं उसको लेयर बाई लेयर बनाने वाला हूँ। तो गाइज मैं उसको यहाँ सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो चलिए गाइज मैं इसका भी काम शुरू करता हूँ अब। मेरे पास डर्ट तो है नहीं ज़्यादा, तो गाइज मैं इसको भी खोद लेता हूँ, और जितनी डर्ट कम पड़ी गाइज उतनी मैं लगा लूँगा। तो चलिए गाइज मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ सीधे। तो फाइनली गाइज मैंने थोड़ी बहुत डर्ट भी इकट्ठा कर लिया हूँ वहाँ से। तो गाइज अब मैं चलिए अपना फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज मैं इस पर इसको गिन लेता हूँ, मैं यहीं से बनाना इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर गाइज मैं होपर लगाऊंगा कलेक्ट करने के लिए इसको, और गाइज साइड से मैं पूरा इसको पैक कर दूँगा। तो चलिए गाइज मैं इसमें देख लेता हूँ कितने ब्लॉक लगे हैं यहाँ पे। तो गाइज ये कुछ 6 ब्लॉक है, तो ये 7 ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, वैसे तो ये 7 ब्लॉक हो जाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइज 7 हो चुका है, और एक ब्लॉक के लिए गाइज यहाँ पे छोटे की जगह है, तो इसको मैं गाइज छोड़ देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज इसको ऐसा पैक कर देता हूँ, पीछे से मैं यहाँ पे पूरे में पानी का फ्लो बना दूंगा। अब गाइज मुझे इधर से भी 7 करना है इसको, कि 1 2 3 4 5 6 7। और गाइज एक ही लास्ट का इधर से गाइज जहाँ पे वॉल उठेगी। तो गाइज इतना हो चुका है, अब मैं गाइज इसको 7 ब्लॉक इधर में काउंट करने वाला हूँ। तो मैं इसको लेके 7 ब्लॉक काउंट करूँगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसको 8 ब्लॉक का बनाने वाला हूँ गाइज, पहली जो लेयर रहेगी गाइज वो 8 ब्लॉक की रहेगी। तो मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ। तो गाइज मैं इसको जल्दी से इधर भी पूरा कंप्लीट करता हूँ, अब इधर भी गाइज 7 ही ब्लॉक छोड़ना है मुझे। तो गाइज इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कैसे बनाए।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी दो लेयर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हूँ। तो गाइस मुझे तीसरी लेयर बनाना स्टार्ट करना है यहाँ से, तो मैं इसको गाइस तीसरी लेयर बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे सिर्फ गाइस इसमें एक ब्लॉक और आगे करना है, इसको गाइस एक्सटेंड कर देना है यहाँ से। तो यहाँ से गाइस फिर 7 ब्लॉक ऊपर जाना है मुझे, तो इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ अब। तो इसमें गाइस 7 ही ब्लॉक करना है। और अभी गाइस आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो गाइस मैं इसको जब पूरा कंप्लीट कर दूंगा तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि कैसा बना रहा हूँ मैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गाइस इसको इतना पूरा भर दिया हूँ। और गाइस मैं थोड़ा सा स्टोन लेके आया हूँ और बाकी स्टोन गाइस मैंने अभी मेल्ट होने रखा हूँ, तो गाइस जिससे वो स्मेल्ट हो जाएंगे और मैं उससे ब्रिक्स बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गाइस ब्रिक्स बनाने के लिए स्टोन नहीं था अभी। तो गाइस मुझे इसके चारों तरफ से एक बाउंड्री देनी है पहले, तो मैं इसमें जल्दी जल्दी गाइस पूरी बाउंड्री दे देता हूँ। और सबसे पहले मुझे चेक करना गाइस जी मेरा वाटर फ्लो जो है वो पूरा नीचे तक जा रहा है कि नहीं। तो ये नीचे तक चला गया तो गाइस सही है बिल्कुल। हाँ तो गाइस बिल्कुल सही बना है। और अब गाइस मुझे इसमें जो है पूरा इसको इससे पूरा कवर करना है, तो मैं इसकी गाइस जल्दी से पूरी बाउंड्री बना लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं कि गाइस मैंने इसके चारों तरफ से गाइस बाउंड्री कर दिया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये फार्म आप दिखने लगा गाइस किस तरह मैंने बनाया हूँ। तो गाइस मेरे को यहाँ पे लगाने हैं डिस्पेंसर, तो गाइस यहाँ पे अपने लगेंगे डिस्पेंसर, तो यहाँ पे 7 और 7, तो गाइस 14 डिस्पेंसर लगेंगे। और साथ में गाइस रेजिस्टोन का कनेक्शन भी लगेगा, तो रेजिस्टोन भी मुझे माइन करके लेके आना पड़ेगा। और साथ में गाइस यहाँ पे लगेगा होपर, और यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ दिया मैंने, तो गाइस यहाँ पे लगेगा एक ही होपर में काम हो सकता है वैसे, तो मैं एक ही होपर लगा दूंगा, 3 होपर समथिंग लगा दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि पानी फ्लो हो जाएगा यहाँ पे अच्छे से। तो या फिर हो सकता है मैं सभी में होपर लगा दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइस मैं इसमें होपर लगा के और डिस्पेंसर लगा के मिलता हूँ फिर मैं आपसे। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे गाइस होपर और डिस्पेंसर दोनों लगा दिए हूँ। तो होपर गाइस आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने लगा दिया हूँ। अब गाइस मुझे यहाँ पे डिस्पेंसर के ऊपर पूरा कनेक्शन करना है, तो चलिए गाइस मैं सबसे पहले अब कनेक्शन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रिपीटर लगा देता हूँ, और गाइस यहाँ से मुझे इसके ऊपर से कनेक्शन करते हुए लेके जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी लेके जाता हूँ अब। तो गाइस मैंने इसको इतना कर दिया हूँ। अब मुझे गाइस यहाँ पे एक और रेजिस्टोन रिपीटर लगाना पड़ेगा, जिससे गाइस ये जो रेजिस्टोन का कनेक्शन रहेगा गाइस वो नीचे तक जा सके, नहीं तो गाइस इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो मुझे गाइस अभी थोड़े दूर में एक और लगाना पड़ेगा, तो आई थिंक मेरे को यहाँ लगा देना चाहिए, नहीं यहाँ पर लगाना चाहिए। तो गाइस जो एक बचा था मैंने उसको यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो गाइस जो एक रेजिस्टोन रिपीटर बचा था मैंने उसको यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से गाइस मुझे पूरा कनेक्शन देना है इसको नीचे तक के, आई थिंक इतने में हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो गाइस मुझे एक और रेजिस्टोन रिपीटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वैसे इतना तो फ्लो हो जाना चाहिए। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना के देखता हूँ। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मैं इसमें पूरा रेजिस्टोन का कनेक्शन कर दिया हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ से इसको अगर चालू करूँगा, तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर तक के वहाँ पे लाइट जल रहा है। तो अब गाइस मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पूरा हो से करना है मुझे, और इसमें गाइस वीट लगा देना है, सीड लगा देना है, तो जिससे गाइस इसमें ग्रो होगी वीट। तो गाइस मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मिलता हूँ मैं आपसे। तो फाइनली गाइस मेरा जो है गाइस फूड फार्म बनकर तैयार हो चुका है पूरा वीट का। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी किया हूँ यहाँ पे। तो गाइस आप मैं इसमें गाइस एक एक बोल चारों तरफ से इसको बढ़ाया हूँ, क्योंकि गाइस इसमें मॉब जो है गाइस वो जंप करके आ जा रहे थे, तो गाइस जिससे मेरी जो है पूरी फसल नाश हो जा रही थी। तो चलिए गाइस मैं इसको आपको एक बार कट करके दिखा देता हूँ पहले। तो गाइस बस मुझे ये बटन दबानी है, तो गाइस ये पूरा ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो मैं आपको एक बार कट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा वाटर आ रहा है, और ये गाइस पूरा जाके चेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा अब। तो मुझे एक बार इसका बंद कर देना, इसका जो गाइस पानी का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा फिर। और गाइस मैंने इसकी एक बॉल और इसलिए ऊंची भी किया हूँ, क्योंकि साथ में गाइस थोड़े से वीट जो ऊपर अटक जा रहे थे, इसलिए मैंने गाइस इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची कर दिया था। तो गाइस ये चेस्ट में जब तक पूरे इकट्ठे हो जाएंगे मैं देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे पूरे। तो गाइस मैंने पंपकिन के लिए गाइस यहाँ पे सीड लगाया था, जिससे गाइस मैंने कार्व पंपकिन बना के उसमें लाइटिंग लगा दिया हूँ, जिससे गाइस वो थोड़ा और अच्छा लगे। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।